पाप सिर चढ़कर बोलता, बदायूं के चर्चित सखी बाबा की हत्या के आरोपी रामवीर ने संभल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। आपको बताते चले कि गुन्नौर थाना के गांव केल के पास पेड़ पर 45 साल के शख्स का शव आज पेड़ पर फांसी से झूलता मिला था। जेब में रखे आधार कार्ड के अनुसार पुलिस ने उसकी शिनाख्त रामवीर निवासी मौजूदी नगर ढकनकला थाना इस्लाम नगर जिला बदायूं के रूप में की। मृतक के चाचा बाबू राम ने बताया कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में गांव में रामवीर ने महंत सखी बाबा की हत्या कर दी। तब से वे फरार था। पुलिस और परिवार वाले से ढूंढ रहे थे। आज केल गांव के पास उसका शव मिला है। अलबत्ता सिर्फ शक के आधार पर महंत को मौत के घाट उतारने वाले नामदर्ज आरोपी को हत्या की सजा मिल गई। गुन्नौर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बाबूराम जो मृतक जो फांसी लगाई है उसने आत्महत्या की है, ये कौन लगे हैं आपकी? भतीजा लगता है। क्या मामला था ये? मामला कुछ नहीं था साहब, ये खाली महात्मा से शक रखता था। क्या शक था? कि मेरी बीवी से गलत संबंध है इनकी। जी जी जी। इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी बाबा की। अब बाबा की हत्या करने के बाद वो घर से फरार हो गया। पुलिस उसका पीछा कर रही थी, परिवार वाले भी जब परेशान थे तो उसका पीछा कर रहे। उसका पीछा करते करते वो मिला तो है नहीं, आत्महत्या कर ली उसने। आत्महत्या कहाँ करी थी? कैल की मढ़िया और कैल के बीच में बताते हैं। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति जिसका नाम रामवीर उम्र 45 वर्ष है, यह थाना इस्लाम नगर का रहने वाला है, इसने गांव के पास में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इसके पास से इसके आई कार्ड बरामद किया गया तथा दो टिकट बरामद किए गए। बाद में जब जानकारी की गई तो पता चला ये थाना इस्लाम नगर में 6 तारीख को एक मर्डर हुआ था जिसमें जय सिंह और जमुना सखी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसमें यह व्यक्ति नामजद था, रामवीर नामक व्यक्ति उसमें नामजद था तथा इसके यहाँ पर कैल गांव में ही अपनी एक पुत्री उसकी निवास करती है, वहाँ उसके पास में आया हुआ था। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी उससे आप लोगों को सूचित करेंगे। सर आत्महत्या का वजह क्या है? आत्महत्या की जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो यह है कि यह इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो इसके अपने ही सगे भाई के साथ में उसका अवैध संबंध था, जिसको लेकर इसने जय सिंह और जमुना सखी नामक जो व्यक्ति है इसकी इसने मर्डर करने का इसके ऊपर आरोप था। इसी जो अभी समझ में आ रहा है वो यही है कि इसी घटना से परेशान होकर या फिर उसकी आत्मग्लानी में इसने ऐसा कदम उठाया।